और यहां पर जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए, मैं इसको यहां से पकड़ लेता हूं, तो देखिए ये यहां पर जो है इस तरीके से वर्क करता है, देख सकते हैं, देखिए। और यहां पर जो ये हमारी एसटी कॉइल है, यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर स्पार्किंग कर रही है, यहां से टिक टिक की साउंड आ रही है, मतलब कि जो स्पार्क हो रहा है यहां पर ये स्पार्किंग कर रहा है, ठीक है। दोस्तों अक्सर आपने होंडा की और टीवीएस की बाइक्स में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है। तो यहां पर देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो होंडा की और टीवीएस की बाइक होती है उसके अंदर एसीजी स्टार्टर लगा होता है, या उसको हम आईएसजी स्टार्टर भी बोल देते हैं। तो ये पूरी के पूरी जो है एक असेंबल किट होती है। यहां पर ये जो है हमारी होंडा की और टीवीएस की बाइक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर ये जो है, जैसे कि हम मान लो हमारे पास कोई टीवीएस की बाइक है या फिर होंडा की है, जैसे कि अब ये न्यू बाइक्स आ रही हैं, तो उसके जब हम सेल्फ बटन को प्रेस करते हैं तो वो साइलेंटली ही स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर सिस्टम कुछ अलग होता है। लेकिन जो हमारी सेल्फ वाली बाइक होती है और जब हम सेल्फ बटन को प्रेस करते हैं तो वहां पर हमारा सेल्फ मोटर जो है कुछ साउंड करता है और जिससे वो मैग्नेट को घुमाता है, और जब वो रोटेट होगा तो ऐसे में हमारी बाइक स्टार्ट होने लगती है। तो उसका हमें अलग से पता लग जाता है कि इसके अंदर सेल्फ मोटर जो है आवाज कर रही है और वो काम कर रही है। लेकिन यहां पर जो ये इसका आईएसजी स्टार्टर होता है, एसीजी स्टार्टर होता है, ये साइलेंटली ही बाइक को स्टार्ट कर देता है। ये इसका एक अलग ही जो है काम करने का तरीका होता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये मेरे पास कुछ इसका सामान है, तो यहां पर इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों ये जो हमारे पास असेंबल किट है, इसका इस्तेमाल हम हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली बाइक में कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लो आपके पास कोई अपनी पर्सनल हीरो की बाइक है, हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली, तो उसके अंदर अगर मान लो आपको सेल्फ वाला सिस्टम करवाना पड़ जाए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है उसके इंजन को आपने ओपन करवाना पड़ेगा और वहां पर उसके चैम्बर वगैरह को चेंज करके उसके अंदर सेल्फ रिले लगेगा और वन वे वगैरह भी उसके अंदर चेंज होगा और बैटरी वगैरह भी उसके अंदर चेंज होगी, थोड़ी बहुत वायरिंग में भी हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो उसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम हमें करना पड़ता है। लेकिन यहां पर जो ये एसीजी स्टार्टर किट होती है, यहां पर इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना पड़ता। तो यहां पर आज मैं इसकी यहां पर आपको थोड़ी जानकारी देने वाला हूं किस तरीके से ये काम करता है, और यहां पर इसको हम हीरो की किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको स्प्लेंडर बाइक में या फिर हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली बाइक में जो एसी सप्लाई वाली होती है उसमें किस तरीके से इसकी फिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी, सो प्लीज अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं इसके अंदर क्या क्या सामान हमें ये मिलता है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी हीरो की बाइक होती है उसके अंदर ये जो कॉइल प्लेट होती है ये सेम होती है। तो यहां पर इसके ऊपर जो ये आर्मेचर कॉइल है इसमें कुछ बदलाव किया गया है, ये आपको जो है दूसरी बाइक की देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर इसको जो है इस असेंबल किट को इसके ऊपर फिक्स किया गया है, और यहां पर ये पिकअप कॉइल है, और यहां पर जो दो ये पेच दिए गए हैं, तो इसके जो कट है यहां पर ये कुछ लंबे किए गए हैं ताकि इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकें। तो यहां पर ये जो हमारी असेंबल किट होती है, ठीक है, ये हमारी स्टार्टर प्लेट हो गई। अब यहां पर देखिए, ये इसके साथ एक हमें लंबी केबल मिलती है, तो यहां पर ये जो केबल होती है और यहां पर इसके साथ कुछ तार होती है, ये बॉडी अर्थ की हो गई और ये इसकी न्यूट्रल लाइट की हो गई, और यहां पर ये जो इसकी सॉकेट है ये पिकअप कॉइल के लिए दी गई है, और ये जो इतनी लंबी केबल है यहां पर इसमें थ्री फेस जो है ये मोटी वायर्स दी गई है, ठीक है, रेड येल्लो ब्लैक। अब इसको मैं साइड में करता हूं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। ये इसका फ्लाई व्हील है, यहां पर इसके ऊपर कुछ वेल्डिंग करके यहां पर जो है और यहां पर इसको जो है इस पर फिक्स किया गया है। तो यहां पर ये जो इसमें दो कट है यहां पर देख सकते हैं, ताकि यहां पर जो ये इसमें कटर वगैरह लग सके, और यहां पर टाइमिंग के लिए ये यहां पर इसमें एक कट भी लगाया गया है, यहां पर देख सकते हैं। तो ये इसका फ्लाई व्हील है हमारी हीरो बाइक के लिए, ये इसमें लगेगा। तो अब इसके बाद अगला जो इसमें ये इसका एक क्लच योक है, इसमें एक स्विच है, ये इसलिए ताकि हमने बाइक को जो है जब हमारी बाइक गियर में होती है तो क्लच में दबाकर इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारे एसटी कॉइल, ये हाई टेंशन कॉइल जो होती है ये डीसी सप्लाई के लिए इसमें दी गई है, और यहां पर इसमें ये एक बल्ब दिया गया है, तो इसको हम साइड में करते हैं। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये इसका एसीजी स्टार्टर यूनिट होता है,
यहां पर ये जो इसका एसीजी होता है, इसके अंदर आपको तीन यहां पर ये जो कट दिए गए हैं ये थ्री फेस के लिए होते हैं, जो यहां पर ये इसकी आर्मेचर कॉइल होती है ये वाला कपलर इसमें लगेगा, और दूसरा कपलर यहां पर ये जो है सप्लाई के लिए इसमें दिया गया है ये बैटरी के लिए, तो इससे हमें जो है इसको एक्टिवेट करना होता है। तो यहां पर ये जो इसका तीसरे वाला कट है ये इसमें बड़े वाला कपलर लगेगा। तो कुछ इसमें वायर्स है, कुछ इनपुट के लिए और कुछ आउटपुट के लिए, तो इसको हम साइड में करते हैं। इसके बाद अगला जो इसमें पार्ट है यह इसका एक सेल्फ रिले स्विच, यहां पर इसके ऊपर ये जो है I3S का स्विच है। तो यहां पर ये जो है ना हमारी हीरो की बाइक में जो I3S वाली बाइक होती है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ये जो ऑन ऑफ है यहां पर ये किल स्विच का काम करेगा और ये सेल्फ बटन का। अब यहां पर ये हो गया, इसके बाद कुछ इसके साथ और ये वायर्स मिलती है जो इसके साथ ये असेंबल होंगी। अब यहां पर होंगी कैसे मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए ये जो हमारा इसका स्टार्टर प्लेट होता है, तो यहां पर मैं क्या काम करता हूं, यहां पर ये जो हमारा मैग्नेट है ठीक है जो हमारा फ्लाई व्हील होता है, तो इसको मैं नॉर्मल इसके ऊपर ऐसे रख देता हूं ठीक है। तो अब ये फ्री है ठीक है, देखिए यहां पर ठीक है अब ये यहां पर फ्री है। तो अब ये काम कैसे करेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहां पर ये हमारा इसका जो एसीजी स्टार्टर होता है यहां पर इस को मैं यहां पर इसमें लगा देता हूं ठीक है। अब ये इसमें लग गया। अब इसके बाद जो हमारी अगली वायर है तो ये थ्री फेस वाली है, तो ये हम इसमें यहां पर लगा देते हैं। तो ये थ्री फेस वाली है इसमें ये अटैच हो गई। इसके बाद यहां पर जो हमारी इसकी दूसरी वायर्स है यहां पर ये हम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई भी देनी है ये बैटरी से जब काम करेगा। तो यहां पर ये जो है बैटरी से जब इसको सप्लाई मिलेगी ये बैटरी चार्जिंग के लिए और बैटरी की सप्लाई देने के लिए है ठीक है। तो इसके अंदर एक जो है यहां पर जो हमारा RR यूनिट होता है वो इसके अंदर असेंबल किया गया है, क्योंकि हमें इससे बैटरी चार्जिंग भी करनी है और आगे लाइट भी इससे ऑन करवानी है। तो ये इसका काम होता है और ये बाइक को स्टार्ट भी करेगा। तो अब यहां पर ये हमारा हो गया, इसको मैं साइड में कर देता हूं। अब यहां पर ये बर्फ है इसको भी हम चलिए इसमें लगा ही देते हैं। यहां पर ये इसका कवर है और इसको मैं साइड में कर देता हूं। इसके बाद जो हमारा ये इसका स्विच है यहां पर चलिए इसको तो हम लगाएंगे या ना लगाएंगे तो बाद यही काम है। अब इसके बाद जो हमारा ये इसका सेल्फ रिले स्विच है, अब यहां पर ये कनेक्शन हमारे हो गए। अब ये जो इसकी कुछ वायर्स हैं यहां पर इसको हमने यहां पर लगा देना है, जो ये इसकी पिकअप कॉइल की तार है, तो इसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं ठीक है। अब यहां पर ये इसके साथ अटैच हो गई। अब यहां पर जो ये हमारी इसकी एसटी कॉइल होती है यहां पर इसमें ये दो तार दी गई है, तो इसको हम लगा लेते हैं हरी वाले को हरी के साथ और ये जो है इसके साथ हम लगा लेते हैं, इसको हम अब साइड में कर लेते हैं ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर ये जो हमारी इसकी वायर्स हैं यहां पर इसकी कुछ वायर्स दी गई हैं, जो यहां पर ये बॉडी अर्थर का काम करेगी और ये हमारी न्यूट्रल तार में लग जाएगी, और येलो तार हमारी लाइट के लिए है और ब्लैक तार यहां पर इसको हमने 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं और जो आगे कन्वर्टर तार होती है 12 वोल्ट इसको मिल जाएगी। अब यहां पर ये हमारे पास एक बैटरी है। अब यहां पर देखिए अब हमने करना क्या है, यहां पर सबसे पहले मैं एक तार को यहां पर इस पर लगा लेता हूं ठीक है। तो यहां पर देखिए जब मैं टच करता हूं तो यहां पर ये स्पार्किंग करेगी, देखिए यहां पर ये चिंगारी उठा रही है ठीक है। अब पहले मैं एक तार को लगा लेता हूं, तो अब यहां पर देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये दोनों तारे हमने लगा दी, और यहां पर ये जो इसमें दो तारे दी गई है ये आगे सप्लाई के लिए ठीक है। अब यहां पर ये जो इसकी दोनों तारे हैं ये तो हमने इसको दे दी, जो हमारा ये इसका एसीजी स्टार्टर होता है यहां पर ये एक्टिवेट हो गया। अब यहां पर इसको हम बॉडी अर्थ कर देते हैं, यहां पर ये इसके साथ हो गई और ये जो हरी तार है ये भी हम इसके साथ यहां पर अटैच कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको बॉडी अर्थ भी देना है ठीक है। मैं इसको यहां पर लगा देता हूं। अब यहां पर ये इसके साथ लग गई, तो अब यहां पर ये वाली जो तार है ये हमारी जाएगी इस ब्लैक तार में, क्योंकि जो हमारा इग्निशन स्विच होता है और उससे जब हम
उसको ऑन करेंगे और जो अगली तार होगी ब्लैक वो कन्वर्टर होके आगे सप्लाई निकालेगी। तो ये जो तार है ये जाएगी सीधी इस वाले स्विच में, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद ये हमारा इसका एसीसी स्टार्टर एक्टिवेट हो गया। अब यहां पर देखिए मैंने सभी कनेक्शन कर दिए हैं, तो यहां पर जो हमारे स्टिक वेल वगैरह है इसको हम अलग ही रहने देंगे और इसके बाद मैं इसके बटन को इधर निकाल लेता हूं। तो अब देखिए गाइस यहां पर हमने ये सारे कनेक्शन कर लिए हैं, तो थोड़ा फोन को ऊपर उठा लो भाई। तो अब यहां पर देखिए ये हमारा जो इसका बटन है ये ऑन ऑफ के लिए काम करेगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूं तो यहां पर ये बटन काम नहीं करेगा। तो इसको मैं जब नीचे करूंगा तो मैं इसको यहां पर पकड़ लेता हूं, तो आपको यहां पर देखिए ये रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहां पर देखिए देख रहे हैं ना, देखिए तो यहां पर ये बल्ब ब्लिंक करता हुआ भी आपको दिखाई देगा। और जो हमारी एसटिक वाल्व होती है यहां पर ये भी स्पार्किंग करती हुई हमें इसकी आवाज आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये जब इसको हम यहां पर टच कर देंगे मान लो, या मान लो मैं यहां कर देता हूं, तो ये स्पार्क आगे निकालेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए तो ये जो है जब इसको मैं पकड़ता हूं और इस बटन को प्रेस करता हूं तो देखिए ये यहां पर ये इसके साथ रोटेट हो रहा है, तो ये साइलेंटली हमारी बाइक को स्टार्ट कर देता है। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और दिखा देता हूं, यहां पर ये जो हमारी पीली तार होती है, ठीक है, मैं इसको यहां पर लगा देता हूं और ये वाली मैं बॉडी अर्थ कर देता हूं। तो यहां पर देखिए ये जो है यहां पर इसके साथ ये लाइट भी हमारी जल जाएगी। तो यहां पर ये तो आपको पता है कि ये स्विच के साथ काम करेगी, यहां पर जो हमारा मेन स्विच होता है। तो यहां पर जब हम इस तार को हटा देंगे मतलब कि स्विच को ऑफ कर देंगे तो यहां पर ये बंद हो जाएगी, ठीक है, ये इसके साथ काम करती रहेगी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं तो ये तो आप देख ही रहे हैं। तो अब मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं इसका डेमो। तो मैं इसको यहां पर से पकड़ लेता हूं और देखिए यहां पर जो हमारा ये किल स्विच है इसको मैं ऑफ कर देता हूं, यहां पर ये ऑफ है, अब ये बटन काम नहीं कर रहा देखिए, ठीक है। और जब मैं इसको ऑन करता हूं और इसको प्रेस करता हूं यहां पर देखिए जो हमारा फ्लाई व्हील है ये रोटेट करेगा, देखिए। तो ये इस तरीके से काम करता है और ये हमारा स्पार्क आगे जनरेट हो जाता है, यहां पर ये इससे जो है स्पार्किंग की आवाज आने लगती है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा जो एसीजी स्टार्टर होता है इस तरीके से वर्क करता है। तो यहां पर इसके अंदर फर्क क्या है, जो यहां पर ये इसका फ्लाई व्हील है, अब ये तो इसका फ्लाई व्हील है, ये तो एक चुंबक का काम करता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो इसका थ्री फेस होता है ना, यहां पर यही इसका मेन सर्किट होता है, यही इससे काम करवाता है, जो थ्री फेस हो वाली जो ये जितनी भी यहां पर ये मैग्नेटिक सिस्टम होती है, यहां पर थ्री फेस वाली जो भी मोटर वगैरह होती है वो इस बेस पर काम करती है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहां पर देखिए गाइस जो मैंने आपको इसमें दिखा दिया, तो इस तरीके से यहां पर इसको हम अपने किसी भी हीरो की बाइक में असेंबल कर सकते हैं। तो ये साइलेंटली बाइक हमारी स्टार्ट हो जाती है इस एसीजी स्टार्टर के द्वारा। तो मैंने आपको कनेक्शन दिखा दिया यहां पर इस तरीके से, यहां पर जो ये हमारा केबल वगैरह जाल बिछा हुआ है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान होता है। तो यहां पर दोस्तों ये जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है एसीजी स्टार्टर वाली, तो यहां पर ये ऑलरेडी टीवीएस की बाइक में और होंडा की बाइक में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसका इस्तेमाल हम अपनी हीरो की सोसिस वाली बाइक में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये दिखाऊंगा किस तरीके से मैं इसको जो है एक अपनी स्प्लेंडर बाइक में इसको लगाकर उसको साइलेंटली ही स्टार्ट कर सकते हैं इस एसीजी स्टार्टर के द्वारा। तो दोस्तों ये एक छोटी ही जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।